सभी साथियों को नमस्ते। यह डिक्टेशन 96 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में मैंने कुछ शब्द चिन्ह, कुछ वाक्यांश लिखे हैं और आपको वो देखने चाहिए। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह बिल है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें इस सदन में की जा रही हैं, वह सब नोट कर ली गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में जनहित की उन सभी बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं जो कि बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैं इस सदन में पहले ही कह चुका हूं कि उन पर विचार किया जाएगा। जहां तक सहकारिता का संबंध है, चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हों चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों, सबको यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज कायम कर लिया है और हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिर भी मुल्क में गरीबी है और उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहां तक इस सहकारी बिल का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों के विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं थोड़े में खास खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहां जनता का राज कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी की एक गहरी खाई चली आ रही है और आज भी समाज में इसका गलत फायदा उठाया जाता है। तो जहां तक इस बिल का संबंध है, आज इस तरह के बिल की बहुत अधिक आवश्यकता है। हालांकि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि सन 1912 में यह बिल बना था, उस समय से लेकर आज तक उसमें किसी तरह का की कोई प्रगति नहीं की गई है, बल्कि जैसा तब था उसी बिल को थोड़ा बहुत अदल बदल करके उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके
उन्हीं बातों को रख दिया गया है। श्रीमान जी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम बिल के संबंध में तमाम बातों को देखें और जो असली बातें हैं उनको भी देखें और उनको पढ़ने की कोशिश करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसमें बहुत सी बातें नहीं हैं। इसके अलावा सरकार जो सहायता दे सकेगी देगी। इस तरह से सहकारी समितियों को जिनके पास धन की कमी है उनको धनी बना सकेगी। जब समितियां गड़बड़ करेंगी उन पर मुकदमा चल सकेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का कितना महत्व है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का भार सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उनका उत्साह और उनकी बुद्धि तीनों ही हमारे गृह मंत्रालय के लिए आदर्श का काम कर सकती हैं। परंतु दुर्भाग्य से सरदार पटेल के पश्चात इन तीनों बातों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूं। 1962 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो 14 नवंबर 1962 को हम सबने इसी सदन में खड़े होकर एक प्रस्ताव पास किया था जिसके शब्द थे, भारत की भूमि जब तक हम शत्रु से स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक हमारा यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा, भले ही वह कितना ही लंबा क्यों ना हो। लेकिन कुछ दिनों बाद आगे चलकर हमने राष्ट्रीय एकता सप्ताह या दिवस मनाना शुरू किया तो हमने उस प्रतिज्ञा को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया। उस प्रतिज्ञा के शब्द थे, मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराता हूं कि मैं अपने देश की आजादी और एकता की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए कितना ही कड़ा और लंबा संघर्ष क्यों न करना पड़े। मैं राष्ट्रीय एकता तथा बल के लिए तन मन से काम करने की शपथ लेता हूं। लेकिन इस बार राष्ट्रीय एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा सा प्रकाशन भारत सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ है, जिस प्रकाशन में स्वयं इन्होंने लिखा है कि 1962 में चीन द्वारा आक्रमण के बाद शपथ की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है और जो शब्द बदल दिए गए हैं उनको भी मैं सदन की जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूं कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीकों द्वारा हल किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1962 में संसद ने जो निर्णय किया था, क्या भारत सरकार अपने उस निर्णय से हट रही है और जो सरकारी प्रकाशन आया है जिसके द्वारा 1962 की
शपथ में परिवर्तन किया गया है, इसका आधार क्या है? क्या हम यह समझे कि किसी तरह का चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है, जिसने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है? मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे, आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है। इस प्रकार के प्रकाशन सरकार की दुर्बलता के सूचक हैं। स्टॉप। साथियों, ये डिक्टेशन 96 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। आप इसकी आउटलाइन देखें, कुछ आउटलाइन या शब्दों की मैंने बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। प्रकाशन, प्रकाशित, शांति, शांतिपूर्ण, माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्रालय कर दिया गया है, आक्रमण, आक्रमणकारी, शांतिपूर्ण, शांति, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्ण ढंग से, सावधान, संविधान, संवैधानिक, संवैधानिक दृष्टि से यह कहना चाहता हूं कि शांतिमय तरीका, शांति व्यवस्था, महोदय प्रजातंत्र, अध्यक्ष महोदय प्रजातांत्रिक, माननीय अध्यक्ष महोदय प्रजातंत्रात्मक, सभापति महोदय लोकतंत्र, माननीय सभापति महोदय लोकतांत्रिक के संबंध में लोकतंत्रात्मक, सरकारी दल वाले लोगों, सहकारिता, बहुत सी बातें, सरदार पटेल, मान्य सदस्यों, प्रतिज्ञा, जनहित, प्रतिज्ञा करता हूं कि, ये कुछ शब्द चिन्ह मैंने बनाए हैं और वाक्यांश बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारे मानक प्रणाली पर आधारित हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।